सभी कांग्रेस परिवार को हमारे कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज कांग्रेस पार्टी जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय दल है, आज अपना 134 वर्ष जो है वो पूरे करने जा रहा है। मेरा सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के सभी साथियों से आग्रह रहेगा इस आज के स्थापना दिवस पर एक जो है वो संकल्प ले कि आने वाले जो 2019 के चुनाव हैं उसमें जो जन विरोधी भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर बैठी है
उसको किस तरह से सत्ता से बाहर धकेलना है और पुनः कांग्रेस पार्टी का जो जनता के लिए एक अच्छा शासन कांग्रेस पार्टी देती है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को दोबारा पुनः जो है वो सत्ता में स्थापित करना है। आप सब लोग कार्यकर्ता जानते हैं कि कांग्रेस के जितने भी हमारे महान नेता हुए जिन्होंने इस कांग्रेस को पीढ़ी दर पीढ़ी आज इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे भी कांग्रेस जो है वो इसी तरह से अच्छा कार्य जो है वो भविष्य में भी करेगी, इसी कामना के साथ मैं आप सब लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ता साथियों को पुनः एक बार स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी का इसी तरह से साथ निभाते रहेंगे और कांग्रेस को हर बार जो है वो जिस तरह से अभी 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है, आगे भी हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कांग्रेस को विजय दिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी का एक सदस्य हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आज़ादी से लेकर के आज तक जो है इस भारतवर्ष को आज़ाद करवाना और उसको बनाने में जो है अहम रोल अदा किया है। आज हमारे देश में जिस तरह की सांप्रदायिक ताकतें इस देश के सत्ता पे सत्तासीन हुई हैं, उनको उखाड़ फेंकने में अगर कोई पार्टी सक्षम है तो भारतीय कांग्रेस पार्टी है। जैसा आपने देखा कि अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जनता ने जो है इस भारतीय जनता पार्टी के जुमलों, उनके झूठे वादों और लोगों को जो ठगने का है, उनकी जो राजनीति थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जो है वो अब इनके छलावे में, इनके झूठे भाषणों के जाल में नहीं फंसेगी और 2019 में जो है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है बदलाव की ब्यार बहेगी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है फिर से भारतीय स्तर पर जो है वो केंद्र में शासित होगी और माननीय राहुल गांधी जो हैं वो भारतवर्ष के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं, हमारी आशाएं हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी कांग्रेसजनों को जो है वो इस स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। आज 134वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है। सन 1885 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय इस बात की जरूरत पड़ी कि देश जो था गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। हर तरफ दबाव में हर कोई एक इंसान जिंदगी जी रहा था। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने इस बात को अपने मन में ध्याया कि क्यों ना हो एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो संगठन देश की आज़ादी के लिए काम करे, मानव समाज को सुखी रखने के लिए काम करे। तो इसी लड़ी में 28 दिसंबर सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष एओ हयूम रहे, जो बेशक अंग्रेज थे परंतु उनकी वेदना देश को आज़ाद कराने की थी। और इस लड़ी में अनेक भारत के बुद्धिजीवी लोगों ने, चाहे वो किसी भी धर्म से थे, चाहे हिंदू थे, चाहे वो इस्लाम धर्म से थे, चाहे किसी और धर्म से थे, सभी ने एकजुट होकर के देश को आज़ाद कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया। और इस तो बहुत लंबा अरसा कांग्रेस ने, लगभग 134 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज़ादी को हासिल किया। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बहुत सारे वीरों ने, बहुत सारे सपूतों ने अपनी बलियां तक दी और उन्होंने यहां तक के
वो जो आज़ादी का सूरज था उसे भी नहीं देखा, जिस आज आज़ाद भारत वर्ष में हम सभी खुले मन से सांस ले रहे हैं, खुले मन से चल रहे हैं। 1923 में डॉक्टर हेडेकर जिन्होंने के कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की इसी मकसद के साथ कि कांग्रेस सेवा दल भी कांग्रेस के साथ मिलकर के देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, और निरंतर इस लड़ाई को लड़ा गया। आज दुख होता है इस बात का कि जहां भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में करीब 4.5 वर्षों तक जिसने राज किया, और ये राग लापते हैं कि 70 वर्ष जो है कांग्रेस ने देश को लूटा है। मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि इसका कैलकुलेशन की जाए कि 70 वर्ष कैसे हुए, जिसमें मुरारजी देसाई का भी एक कार्यकाल रहा, बीपी सिंह जी का कार्यकाल रहा, डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल जी का कार्यकाल रहा, चंद्रशेखर जी का कार्यकाल रहा, देवगौड़ा जी का कार्यकाल रहा, और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल रहा। तो ये केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी देश को लड़ाने के लिए कार्य कर रही है, मजहब और धर्म के झगड़े पैदा करके देश को गुमराह कर रही है। और कांग्रेस का एक ही ध्येय है, और कांग्रेस जनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ और भारतवर्ष के तमाम नागरिक को ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक सुई भी अगर कोई बनती थी वो भी विदेशों से लानी पड़ती थी। आज जितनी भी तरक्की हुई है, चाहे अंतरिक्ष में हम पहुँचे हैं, चाहे कहीं और दूसरी जगह हमने तरक्की की है, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की है, भाईचारे के क्षेत्र में तरक्की की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की की है, जहां हमारी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ लड़कर के कांग्रेस ने जहां पक्षी तक नहीं पहुंच सकते वहां तक भी रोडें बनाई हैं, वहां तक भी सड़क का निर्माण किया है। तो कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। मैं तमाम भारतवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की कुर्बानियाँ, कांग्रेस की जो सहन शक्ति थी, कांग्रेस की जो एक विचारधारा थी कि सभी को साथ लेकर के चलना है, सभी धर्मों और मजहबों का सम्मान करना है, इस नीति से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और मैं आज सभी से ये आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा को अपना करके, कांग्रेस की नीतियों को अपना करके, यहाँ जो आज मनुवादी लोग इस देश में देश को खंडित कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके कांग्रेस में भाईचारा, एकता और सद्भाव के पैदा भावों को पैदा करने के लिए कांग्रेस को आगे लाएं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के मुंह पर जो बिनाई छाई हुई थी, बिनाई, उस बिनाई को ख़त्म करने के लिए जो हमारी सिसक थी, जो हमारी परेशानी थी, उसको आज से 132 वर्ष पहले, 133 वर्ष पहले एओ हयूम ने महसूस किया। हमारे दुखी और प्रताड़ित और सताए हुए लोगों की वो जो चिलचिलाहट थी, जब उसको समझा तो उसके दिल में खुदा ने, उस भगवान ने एक दर्द डाला और उसने एक मनन किया, एक सोच ली कि इन हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म हो रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 200 सालों से इन पर कब्जा जमाए हुए है, इनसे इनको कैसे मुक्त करवाना है। तो हमारे एओ हयूम जो ब्रिटिश के ही निवासी थे और यहाँ हिंदुस्तान में शिमला के लोअर बाज़ार में रहते थे, और जब इन्होंने
ये देखा कि ये लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं और इनकी परेशानी को कैसे हल करना है। तो एओ हयूम ने हिंदुस्तान भर में भ्रमण करके 72 लोगों का चयन किया और 1885 में 28 दिसंबर की उस रात को बॉम्बे में एक संगोष्ठी बुलाई और उसमें उन लोगों के जो तासुरात थे, जो उनके ख्याल थे कि वो कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन सब को लेकर एक समूह बनाया और उसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज आप हम सभी उस दिन को, उस एओ हयूम को याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इससे पहले कि आज हम अपने यहाँ पर विचार रखें, अपने अपने मन की बात कहें, हम यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित करके आज फिर वही वंदे मातरम, वो राम धुन गाकर आज की कार्रवाई का जो है वो श्री गणेश करेंगे। तो इससे पहले की अनुमति दें पंडित लक्ष्मीधर जी।
पिता जी और भीमराव अंबेडकर जी को भी पुष्प जो है वो समर्पित करने हैं उनको। सभी यहाँ से जब राष्ट्रीय गान होगा, हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा, तो हम सब इकट्ठे होकर वहाँ हाजिरी देंगे। धन्यवाद। मैं संबोधित किए बिना आज जैसा कि समय का अभाव है, तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज हम कांग्रेस की स्थापना दिवस मना रहे हैं, 134वां स्थापना दिवस है। एओ ह्यूम जी ने आज के दिन 1885 में कांग्रेस की नींव रखी थी, जैसा कि गनी जी ने कहा, और आज एक कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है, 134 साल का इतिहास है। किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों, जो कि उस समय के एक शक्तिशाली वो थे, उनके साथ आज़ादी को आज़ाद करवाने के लिए, भारत को आज़ाद करवाने का बीड़ा उठाया, और कैसे उन्होंने संघर्ष किया बिना खड़ग बिना ढाल। महात्मा गांधी जी ने किस तरह से भारत को आज़ाद करवाया, ये हम सबको मालूम है और इतिहास में लिखा हुआ है। आज हमने ये जो दिवस हम मनाने जा रहे हैं, आज हमने एक संकल्प लेना है, और जो हमारे पूर्वज स्थापक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे हमने प्रेरणा लेनी है कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह उन्होंने बिना खड़ग बिना ढाल के अनुशासित होकर भारत को आज़ाद करवाया। उसी तरह से हमने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है और एक अनुशासित
ढंग से हमने जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो बीजेपी के सरकार हैं, उनसे हमने किस तरह से भारत को आज़ाद करवाना है एक सभ्य नागरिक होने के नाते, और एक अनुशासित ढंग से हमने ये संघर्ष करना है। और सबसे पहले मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमने अपनी पार्टी को अनुशासित करना है, और हम सब ने तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाना है। ये संकल्प हमने आज लेना है, यही हमारी उनके प्रति जो होगा हमारी श्रद्धांजलि होगी, और यही प्रेरणा लेकर हमने कांग्रेस पार्टी को शक्तिशाली बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पुरी जी ने जो जानकारी दी किसी को बताया कि हमें अनुशासित, और कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक ऐसा वजूद है जो अनुशासित है। ये हमारे सेवादल फाउंडर, आज हमने इनको भी यहाँ पर वो किया है, श्रद्धांजलि दी है। इन्होंने वो जो अनुशासन हमें, और एक ऐसी निशानी बनाई इन्होंने कि ये सफ़ेद रंग की टोपी, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो सफ़ेद रंग है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, ये सबको भाती है, और इससे आत्मा भी जो है शुद्ध रहती है। और यही एक प्रेरणा लेकर सेवा दल संस्थापक जो थे हमारे, उन्होंने एक ऐसी फोर्स बनाई जो हर वक्त सेवा के कगार पर रहती थी, और हर पार्टी के नेता की और मुश्किल में मदद के लिए तैयार रहती थी। तो धन्यवाद पुरी जी। अब मैं इल्तजा करूंगा हमारे बीच सेवा दल के संयोजक जिला से ओम प्रकाश जी, ये आए और ये भी दो शब्द कहें। ओम प्रकाश, धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देना चाहता हूं, और कांग्रेस सेवा दल की तरफ से सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां पर स्वागत करता हूं। आज कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस है। 133 साल की हमारी कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। बहुत लंबा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को दिया है। कांग्रेस पार्टी में सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो कि कांग्रेस पार्टी के ठीक 2 साल बाद कांग्रेस सेवा दल की स्थापना हमारे हार्डिकर द्वारा की गई थी, जो कि कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है वो कांग्रेस सेवा दल है। और कुछ समय के बाद कांग्रेस सेवा दल विलुप्त हो गया था, जिसका आभास आज हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को हुआ, और उन्होंने फिर से कांग्रेस सेवा दल को ये बागडोर सौंपी कि कांग्रेस सेवा दल ही एक ऐसा संगठन है जो कि सभी को साथ लेकर सभी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। आज मैं बात करना चाहूँगा बीजेपी के शासन की, कि जिन्होंने पिछले कल धर्मशाला में एक आयोजन किया, उन्होंने कहा कि एक साल बेमिसाल, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने चंबा के बारे में कि एक साल बेमिसाल नहीं, एक साल बुरा हाल, क्योंकि हमारे इसकी एक मिसाल है हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा, जो कांग्रेस सरकार ने स्थापित किया था। शुरू में हमारे चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा में लगभग 100 के करीब डॉक्टर थे, और आज एक साल के बाद बीजेपी शासन में लगभग 40 से 45 रह गए हैं। तो ये एक साल बेमिसाल नहीं, एक साल बुरा हाल है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि
कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के सारे सिपाही, एक नारा है हमारा कांग्रेस सेवा दल का, ये नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि ये मोदी सरकार जो है चोरों की सरकार है, अब हमने इन चोरों से लड़ना है और अपने भारत को फिर से चोरों से आज़ाद करवाना है। जय हिंद, जय सेवा दल। आदरणीय कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट डॉक्टर करतार ठाकुर जी, पंडित लक्ष्मीधर जी, जेसी हांडा जी, परमेश पुरी जी, भाई अब्दुल गनी जी, विजय भाई, एससी विंग के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, सेवा दल के संयोजक ओम प्रकाश जूनियर जी, और पंचायती राज के नव निर्वाचित हमारे संयोजक जिला के राधे जी, सभी यहाँ पे मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता, मैं आप सभी को सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के 134वें स्थापना दिवस के अवसर पर तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपने आप को, और मैं समझता हूं हम सभी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मजबूत पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जैसा भाई गनी ने बताया कि देश के हालात को देखते हुए जब संगठन की ज़रूरत महसूस हुई तो कांग्रेस पार्टी जो है वो वजूद में आई, और कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये वर्तमान के जो 4 साल हमारे रहे हैं मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा रही है। लेकिन आज फिर से इस शुभ अवसर पर हमारी खुशी का कई कारण हैं कि एक देश की जनता में जो नामुमीदी छा गई थी कि ऐसा एक कुशासन इस देश में चल रहा है, एक ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता 2014 में किन्हीं कारणों से देश की जनता ने सौंप दी थी, उसकी कोई एक वजह नहीं थी। जहां उसकी अगर एक वजह कोई धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी तो बहुत सारी वजहें ऐसी थी जो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी। लोगों को उम्मीदें थी कि 15 लाख रुपए मिलेंगे, नौजवानों को उम्मीदें थी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, राम राज्य पूरे देश में हो जाएगा। ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट देकर के सत्ता सौंपी। उस वक्त भी 69% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन 4.5 साल के बाद इन्होंने जो करना चाहिए था, जो मौका जनता ने दिया, उसको ये पूरा नहीं कर पाए। और इनको ये गलतफहमी हो गई कि हमें जो वोट मिला है वो हमारी विघटनकारी नीतियों के कारण मिला है। लेकिन देश की जनता ने अभी जो वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें ये साबित कर दिया, ये जवाब दे दिया कि भारतवर्ष की जनता भावनाओं में बहने वाली नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि दो इनके मजबूत गढ़ जहाँ पे 15-15 साल से ये कुंडली मार के बैठे हुए थे, वहाँ से इनको उखाड़ फेंका, और इनके दो सबसे बड़े स्टार प्रचारक जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पे जनता पार्टी का हाल जो है वो खराब हुआ। इसका मकसद ये है कि भारत की जनता ना मंदिर पे वोट देना चाहती है, ना मस्जिद पे वोट देना चाहती है, ना जात पे वोट देना चाहती है, ना किसी क्षेत्र पे वोट देना चाहती है। भारत की जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देना चाहती है।
और आदरणीय राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने एक महीने के अंदर जो करके दिखाया, उससे भारत की जनता में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना विश्वास बढ़ा है, मजबूत हुआ है कि जो बात ये 4.5 साल में नहीं कर पाए वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 10 दिन में करके दिखाया। तो साथियों, हमें नए उत्साह, नए जोश के साथ, एकजुटता के साथ इन विघटनकारी ताकतों को जो है देश से उखाड़ना है। धर्म, जाति, ये सब व्यक्तिगत चीज़ें हैं। मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ वो मेरा व्यक्तिगत मसला है, उससे देश का कोई मतलब नहीं है। जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो सब धर्मों के लिए होती है। इसलिए जब हम घर में होते हैं तो हम हिंदू भी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं। जब हम अपनी दहलीज को पार करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। और हमारा सबसे पहला लक्ष्य है अपने देश को मजबूत करना, और उस मजबूती के रास्ते में जो भी रोड़ा अटकाए उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो हटाना, उसके लिए हमारे पास मौका है। बहुत जल्द जो है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ, सबसे मजबूत स्थिति में आज की तारीख में है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे भी मुमकिन हो, लेकिन 2019 में जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय राहुल गांधी जो हैं इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये देश एक बार फिर से जो है तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। सब धर्म, सब जातियों, सब क्षेत्रों को साथ लेके आगे बढ़ेगा, और हमारा देश जो वो खुशहाल होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ एक बार फिर से आपको बधाई, मुबारक, जय हिंद, जय भारत। आपने बड़ी खुशी से ये बयान किया कि जो सरकार होती है, जो देश की संचालक होती है, वो सर्वोपरि होती है, और उसका एक मसूलन होना चाहिए कि सबको कर बराबर बुलंदी से दे। सरकार जब इतनी बुलंदियों पर पहुंच जाती है तो उसे कोई धर्म, जात, वर्ग, भेद, इलाका, भाषा नहीं दिखती है। वो अपने बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, और गर्व से वो समझते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। अब मैं इंतजार करूंगा हमारे बीच बैठे हमारे भाई हरदीप सिंह जी, ये आए और ये भी 2 मिनट में अपनी यहाँ उपस्थित कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाने आए सभी कांग्रेसजनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि ऐसे ही स्थापना दिवस जो कांग्रेस पार्टी का मनाने जा रहे हैं, सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। किसी भी स्थापना दिवस का मोटो एक फिक्स होना चाहिए। आज हम इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं तो स्थापना दिवस के लिए हमें कोई संकल्प लेके जाना होगा। मेरी ये धारणा है कि पूरे हिमाचल में चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ही कांग्रेस पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग सीट थी ये, और इस स्थापना दिवस पे अच्छे रहे, बड़े दुख से कहता हूँ कि लगातार हम ये 3 बार ये सीट हारे। तो इस स्थापना दिवस में सबको संकल्प लेके बाहर निकलना है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमें इसका जवाब देना है। और लोकसभा की जो इलेक्शन अब 3-4 महीने में होने वाला है, जब भी हो, तो मैक्सिमम हर कांग्रेस जन का ये फर्ज है कि इतनी ज़्यादा लीड होगी वो 3 बार की जो हार है उसका बदला ले सके, तब तो हम स्थापना दिवस मनाएं। और सभी कांग्रेसजनों, यही है कि अगर इस हॉल में सभी कांग्रेसजन एक हैं तो एटलीस्ट वो बाहर भी ये सोचें कि ये भी कांग्रेसजन है। ये नहीं कि इस हॉल में तो कांग्रेसजन है और बाहर एक दूसरे की लिपाछिपी से हट के, तभी कोई पार्टी चलती है। पार्टी तभी चलेगी जब संगठन होकर चलेंगे। तो सबसे पहले मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि स्थापना दिवस को एक संकल्प लेके इस दरवाजे से बाहर निकले कि इस स्थापना दिवस मनाने का हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को हमें जिताना है, और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमें राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। जो बात करनी कतनी हमारी एक सी हो, जो हम बाहर कहते हैं अंदर से भी वैसे हों। बहुत अच्छा बोला आपने। अब मैं भाई राधे जी से इंतजार करूंगा कि ये भी आए और अपने विचार रखें। मैं मंच पे बैठे आदरणीय सभी कार्यकर्ता कांग्रेस जन का स्वागत करता हूं, जो आज
कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर अपना कीमती समय निकाल कर आए और स्थापना दिवस के बारे में कुछ कहूँगा। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस सबसे पहले सन 1885 में हुआ था, जिसके संस्थापक जे ह्यूम जी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए बनाई। कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ उसके बाद देश को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली और हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोर शोर से भारत को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका रही और आज भारत में इतना शक्तिशाली हो गया है, जहां तक एक सुई तक नहीं बनती थी वहां बड़े बड़े उपकरण मिसाइलें बनाई गई और भारत का नाम रोशन किया गया है। और मैं राज्य अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भी इस स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, और सभी कांग्रेसी परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि इस स्थापना दिवस पे आए और इस स्थापना दिवस को चार चांद लगाए। धन्यवाद। पंडित जी, अंडा साहब, गली जी, पुरी साहब, बाकी विजय भाई है सेवादार के जो पधारे, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज कांग्रेस पार्टी का 134वां दिवस हम कांग्रेस पार्टी के हम मनाने जा रहे हैं। उसके उपलक्ष्य पर हम सब ने रल मिल करके कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष पर जो हमारे नेताओं ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ ये भारत को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उनके कार्यकल्पों के द्वारा जो हमारा देश जो था आज़ाद हुआ, हमारा यही संकल्प रहेगा जो उन महान भूतियों की जो सोच थी, जिन्होंने सोचा था कि कांग्रेस का स्थापना दिवस हम तभी अच्छे तरीके से मनाएंगे जब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर चलेंगे और कांग्रेस सरकार को चलाएंगे और कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो हम सभी ने इस हिसाब से जो पहले हमारे पूर्वज करते रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले आने के लिए अहम भूमिका रही और कार्यकर्ताओं को भी मनोबल मिला और आगे जो भी जो हमारी कांग्रेस के लोगों ने जो कार्य किए वो सभी के आगे छुपे नहीं हैं, सभी की नज़र में है। बाकी हमने जो भी आज संकल्प लेना है, लोकसभा का इलेक्शन 19 में आ रहा है, उसमें हमने बढ़ चढ़ करके अपने जो चंबा कांगड़ा की जो सीट है इनसे सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के बढ़त दिलवानी है अपने अपने इलाके से, अपने अपने पंचायतों से, अपनी कंस्टिट्यूंसी से। तो इस कार्य इस संकल्प जो दिवस हमारा कांग्रेस के लिए ये सबसे अच्छा और बेहतर माना जाएगा और आप सभी को इस 34 में दिवस मनाने के ऊपर आप सभी को मुबारकबाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सभी कार्यकर्ता, सभी को बधाई है कि आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बधाई इसलिए है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस जनों ने ही पहल की और कांग्रेस जनों ने ही देश को आज़ाद कराया। देश आज़ाद होने के बाद जहां भाईचारा, एकता, सद्भावना और भारत को एक मजबूत संविधान दिया जो कि एक विश्व में सबसे बड़ी देन थी और इस संविधान के तहत देश चला, जहां अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक मजहब अलग अलग रहते थे, सभी ने एक विचारधारा के साथ इस संविधान की पालना करते हुए देश को चलाया।
मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी इस सद्भावना को ख़त्म कर रही है, भाईचारे को ख़त्म कर रही है, मानव की एकता को ख़त्म कर रही है। कहीं धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, कहीं मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। हसन भाई ने ठीक कहा कि एक धोखे से भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को मत दिया था कि देश में अमन, एकता और चैन पैदा होगा, परंतु आज भारत की जनता ये सब बात समझ चुकी है। ना जहां भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार हिंदुत्व का नारा दे करके बात करती है, तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं और जनता को आगाह करना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में हिंदू समाज के लिए मोदी सरकार ने क्या किया, कहां वो राम मंदिर बना, कहां वो भगवान राम के एक अच्छा आशियाना मिला हमारे हिंदू समाज के लोगों को, कहां वो श्रद्धा जिसके साथ हमारी जुड़ी है वहां हमें राहत मिली, तो कोई भी ना मंदिर बना ना कोई ऐसा काम हुआ। जहां कश्मीर में कहा जाता था कि हमारे हिंदू समाज के लोग विस्थापित हैं, इन 4.5 वर्षों में कितने लोग वहां स्थापित किए गए, हिंदू समाज के कितने लोगों को वहां स्थापित किया गया, वो भी आप भली भांति जानते हैं। कहीं महंगाई की बात आती है, जब 450-400 रुपये सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में गैस का हुआ, आज वही सिलेंडर 950-1000 रुपये में मिल रहा है, तो कहां जो है महंगाई से राहत मिली। जहां रोजगार की बात की गई, 2 करोड़ लोगों को पूरे वर्ष में भारत में रोजगार मिलना था, आज लोगों को रोजगार नहीं मिल करके कहीं दिहाड़ी लगाना भी मुश्किल बात हो रही है। तो मैं इसलिए इस स्थापना दिवस पर तमाम भारत की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस जनों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी कमी सिर्फ एक रही है कि हम अच्छे काम करते गए और उन कामों को हमने लोगों तक नहीं पहुंचाया। तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस की नीति जो है उस नीति को जन जन तक पहुंचाया जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बधाई देता हूं, क्योंकि हम उस समाज के लोग हैं, हम उस समुदाय के लोग हैं, हम उस कांग्रेस जन के लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था और भाईचारा, एकता और मानवता के भावों को पैदा करके इस देश को चलाया था। हमने आगे इसी बात को चलाना है, इसी बात को आगे लेकर के जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कि इस देश को जब ये कांग्रेस बनी तो 1923 में जो डॉक्टर हेडेकर थे जिन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की, तो आज कांग्रेस सेवा दल इसलिए बनाया गया था कि भारत को आज़ाद कराने के लिए उनकी भी अहम भूमिका रहे, और आज भी उस समय भी अहम भूमिका रही है, और आज भी कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए ये जो प्रचार प्रसार होता है उसको आगे ले जाने के लिए कांग्रेस सेवा दल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं ओम प्रकाश जी को, गनी जी को, डिंपल जी को, सभी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे से आगे ले जाने के लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ब्लॉकाध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी, मंच पे विराजमान हमारे हसनदीन भाई जी, कांग्रेस सेवा दल के आयोजक श्री ओम प्रकाश जी, पूर्व में रह चुके हमारे कांग्रेस सेवा दल के विजय भाई जी, पंडित लक्ष्मीधर जी, हमारे बड़े भाई मोहम्मद गनी भाई जी जो कि कांग्रेस सेवा दल के बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस सेवा दल के रहे हैं, और उनका योगदान जो है आज भी अपना भरसक प्रयास करके वो हमें आगे आने का मौका दे रहे हैं। हमारे परमेश पुरी जी व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, हमारे श्री हरजीत सिंह जी, विभिन्न विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान, वार्ड मेंबर और युवा साथी, आज कांग्रेस स्थापना दिवस पे 134वां जो स्थापना दिवस है उसके समारोह में आज आपका यहाँ पे आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये बात साझा करने में आपसे खुशी हो रही है कि शिमला के कांग्रेस सेवा दल के मुख्यालय में माननीय श्री अनुराग शर्मा जी ने हमें वहाँ पे सम्मानित किया।
मैं कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और के कांग्रेस सेवा दल में मेरे को आने का मौका दिया और लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। मैं इनकी भावनाओं का कदर करता हुआ और भविष्य में भी इनके सहयोग की आशा करूंगा। मैं तहे दिल से अपने माननीय श्री अनुराग शर्मा जो कि कांग्रेस सेवा दल के संगठक हैं और श्री हाशिम आजम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखविंदर सुखू जी, चंबा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री नीरज नैयर जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें कांग्रेस पार्टी में आने का मौका दिया और भविष्य में भी उनके सहयोग की आशा करूंगा। अभी हाल ही में हमारा प्रशिक्षक एक नॉर्थ जोन में शिविर था, नॉर्थ जोन अपना छह तलाई में, तो वो हमारी जो थी वो पहली वहाँ पे मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिला, ये शिक्षा मिली हमने वहाँ पे देखा जी, कांग्रेस सेवा दल जो है जब जब भी कांग्रेस सेवा दल कमज़ोर पड़ा है, कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर पड़ी है, और कांग्रेस पार्टी कमज़ोर पड़ी है तो देश कमज़ोर पड़ा है। तो अभी जो कांग्रेस सेवा दल ने जो अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को आगे लाने के लिए, तो अब जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है, और जब जब आप कांग्रेस सेवा दल मजबूत होगा तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। हमारे ओमी भाई ने भी नारा दिया था और हमारे कांग्रेस सेवा दल का ये नारा भी है, अब लड़े थे पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हुआ धन्यवाद। आज के कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी कांग्रेस जनों का यहाँ इस हॉल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समय का अभाव है, सभी का डेजिग्नेशन नहीं बोल पाऊँगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, कि जब हम एक किसी स्थान पे इकट्ठे होते हैं तो हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बराबर का जो है वो अपना सम्मान जो है सभी का बराबर का होता है। आज कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस है और इस 134 वर्ष के अंतराल में कांग्रेस पार्टी विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के दौरों से गुजरी है और आज जिस स्थान पर कांग्रेस पार्टी है उस स्थान तक पहुंचने में जो वक्त गुजरा है उसमें विभिन्न प्रकार के जो दौर कांग्रेस पार्टी के समय में आए हैं। एक समय था जब एओ ह्यूम, जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की, उसके पश्चात पंडित मोतीलाल नेहरू जी का दौर आया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दौर आया, उनके पश्चात इंदिरा गांधी जी का दौर आया, फिर राजीव गांधी जी का दौर आया, उसके बाद सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष रही, और आज वर्तमान समय में हमारे हर दिलों की धड़कन हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मेरा आप सब कांग्रेस साथियों के साथ एक ही आग्रह रहेगा कि हम लोग जो आने वाला समय है, जो 2019 का इलेक्शन जो आने वाला है, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो 2019 के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए हमें आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि एक जो टीम है जिसमें
युवा कांग्रेस के सदस्य, सेवा दल के सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस के सदस्य, उनकी एक जो साझी टीम तैयार करके हम लोगों को अब पुनः द्वारा से जो है बूथ स्तर पर एक एक बूथ का दौरा करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने का अरसा हमारे पास बचा है। हमें ये इस बात की ओर नहीं जाना है कि चंबा कांगड़ा के लिए कौन सा जो कैंडिडेट है वो दिया जाएगा, कौन यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। हमें ये देखना है कि हमें चंबा कंस्टिट्यूएंसी से और चंबा जिला से कांग्रेस पार्टी के लिए भारी से भारी जो है लीड देनी है। वो लीड हम तभी दे पाएंगे जब हम आज के तारीख से ही बूथ स्तर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो विजन है उसको बूथ स्तर में लेके जाएंगे और बूथ स्तर के हर एक कार्यकर्ता को मोटिवेट करेंगे, उन्हें जगाएंगे, ताकि क्योंकि बूथ स्तर का कार्यकर्ता जागेगा, वो एक्टिवेट होगा, तभी 2019 में हम चंबा जिला से, चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो पर्याप्त लीड दिलवा पाएंगे। मेरा आप सब कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मैं एक बार पुनः हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि एक छोटे से मैसेज पे हम लोग इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं जैसे अपने परिवार का कोई कार्यक्रम होता है और आप लोग कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ एक बार पुनः आपसे यही कामना करूँगा कि हम आज से जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाले 2019 में हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार इस भारतवर्ष के अंदर पुनः स्थापित करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष करतार जी, पंडित लक्ष्मीधर जी, हांडा जी, परमेश पुरी जी, गनी जी, सेवा दल के प्रधान और उनकी टीम के सदस्य, यहाँ पर नवनियुक्त पंचायती राज संगठन के जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा उर्फ राधे जी और उनकी टीम के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित श्री हरदीप जी और बाकी सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस जैसे कि बताया पूर्व वक्ताओं ने है, और इस मुबारक मौके पर मैं सभी देशवासियों को, कांग्रेसजनों को, यहाँ पर उपस्थित सभी कांग्रेसजनों को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताया गया है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। उस वक्त तो जो ह्यूम जी के साथ पंडित मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक आदि वरिष्ठ नेता ही थे। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई जिसमें कईयों ने अपनी कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सी कुर्बानियां दी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी वहाँ पर बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े इसरो और बड़े बड़े कल कारखाने लगाए। जो ये बोलते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये 4 साल में नहीं हुआ, 4.5 साल में, ये 60 साल में ही हुआ सब कुछ। तो आज तो पिछले 4.5 सालों में, 4.5 सालों में जो कुछ हुआ है सबके सामने है। देश की झूठे जुमले बाजी कर करके और कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया। कल वहाँ पर धर्मशाला में एक शो किया गया, 1 साल का जश्न मनाया गया प्रदेश सरकार का। क्या किया प्रदेश सरकार ने 1 साल में?
वहाँ पर 10,000 करोड़ रुपये का खर्चा कर दिया गया, इसलिए किया विकास पर करते। वहाँ पर मूर्ति लगा दी सरदार पटेल जी की, 3600 करोड़ की डेवलपमेंट में लगाते। आजकल टीवी चैनलों में देखो बहस होती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हनुमान जी की जाति के नाम पर, उनको भी दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और जाट और चाइनीज तक बता दिया गया। अरे भगवान की भी, आप तो मंतों संतों की पार्टी है, आपको हिंदुत्व का इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान तो जाति बंधन से परे हैं, ये आपकी पॉलिटिक्स है। तो साथियों, मैं जैसे कि समय अभाव है और गणेश जी का आदेश है कि ज़्यादा नहीं बोलना है, फिर बोलेंगे कभी जब मौका मिलेगा, तो मैं यही कहूँगा जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि 2019 लगने वाला है, आज 28 दिसंबर तो हो गई, 29, 30, 31 और पहले को 2019 कोई दूर नहीं है। तो हम सब ने अपने जो तीर कमान है वो कस लेने हैं और गांव गांव बूथ बूथ में अंतिम अंतिम वोटर के पास जाकर के हमने अपना प्रचार प्रसार और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक शेयर अर्ज करना चाहूँगा। दिए के वो बचाते हुए हमने हवाओं को मोड़ना सीख लिया है, दिए को बचाते हुए हमने हवाओं को मोड़ना सीख लिया है, सूरज से जितने भी आग बरसे अब हमने भी शोलों पे चलना सीख लिया है। इसी के साथ ही आप सभी का, कांग्रेस जनों का, विशेषकर कार्यकर्ताओं का जो कि हमारी रीढ़ है, हमारे संगठन की रीढ़ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कार्य उन्होंने पहले भी किया है और दुगने जोश से वो आगे भी कार्य करेंगे, ऐसे मेरी मुझे उम्मीद है। जय भारत, जय हिमाचल, जय कांग्रेस, जय चंबा। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपने हम सब ने जोश भर दिया है और इसी जोश के बीच अगली कड़ी को जोड़ते हुए मैं इंतजार करूंगा, हमारे बीच बैठे हैं जो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ग्रास रूट तक जुड़े हुए हैं, राजू भोला जी। राजू भोला जी वो आए और वो भी दो शब्द कहे। यहाँ पे उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 134वीं स्थापना, कांग्रेस की 134 स्थापना दिवस पे बधाई। आज कांग्रेस को 134 साल हो गए देश की सेवा करते हुए और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम सब एक शपथ लें कि इसी तरह हम अपने देश के लिए कार्य करते रहें और उसकी सेवा करते रहें। अभी तक हमारी पार्टी के द्वारा 16 चुनावों में 7 प्रधानमंत्री, आई थिंक 7 प्रधानमंत्री हमारे पार्टी के रहे हैं जिन्होंने देश को चलाया, और इतने सालों में देश की जो पहले हालात थे उसको कितनी तेज़ी से बदलाव लेके आए हैं वो सारे हमारी पार्टी के द्वारा ही किए गए हैं, ना कि इन 4 सालों में किया गया है। अभी तक हमारे 16 चुनावों में से 6 बार हमारी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई है और 4 बार आई थिंक गठबंधन के साथ आई है। तो हमारी पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी है, वो देश की 134 साल से सेवा कर रही है और आगे भी जितने युवा हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे देश में जितने भी कांग्रेसी हैं, हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर अपने देश की सेवा के लिए आगे आएं और इसी तरह कार्य करके जो स्थितियां अभी आई हुई हैं उससे निपटें और फिर से देश की सेवा में लग जाएं। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जगदीश हांडा जी हैं, वो आए और वो भी 2 मिनट में। उपस्थित महानुभाव, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस सारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज से 134 साल पहले कांग्रेस की स्थापना हुई
जिस वक्त इस देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों के जुल्म और सितम होने शुरू हुए और बहुत ही हिंदुस्तानियों के ऊपर अंग्रेज़ों ने जुल्म और अत्याचार शुरू किए, तो उसके बाद हमारे कांग्रेस के नेताओं ने ये फैसला लिया कि क्यों ना इस देश की आज़ादी के लिए एक संगठन खड़ा किया जाए और इस देश से जो ये अंग्रेज लोग हैं, जो विदेशी हैं, इन्हें चलता किया जाए। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, मैं तो सिर्फ आज के दिन आपको इस शुभ अवसर के ऊपर आपको अपनी ओर से और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई देना चाहूँगा कि आज का बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज कांग्रेस की स्थापना दिन है और इस साल का जो स्थापना दिवस है आज का, ये और भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि आज से और 2-3-4 महीने के बाद जो है ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। आज हमने संकल्प लेना है कांग्रेस के लोगों ने कि जो विरासत हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने हमें सौंपी थी, हम उस विरासत को कायम रखें और इस हमारी विरासत, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसे नैस नैस करने के लिए जो ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो अपने षड्यंत्र रच रही है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर करके मुकाबला करें। इसलिए आज का ये जो बैठक है, आज का ये दिन है, और भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें हैं, एक बात ख़त्म कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारे देश को 4 गांधी दिए, देश को 4 गांधी दिए, सोनिया गांधी जी, इंदिरा जी, इंदिरा गांधी जी हुई जिन्होंने इस देश की तरक्की के लिए दिन रात एक किया, एक पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश इससे जुदा कर दिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान को कमज़ोर किया इंदिरा जी ने। इंदिरा जी ने इस गरीबों की बहाली के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए ये जो बैंक थे इसका राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों के दरवाजे जो थे गरीब आदमियों के लिए खोल दिए। एक वक्त वो हुआ करता था जिस वक्त सिर्फ अमीर आदमी बैंकों के अंदर जाया करते थे, गरीब आदमी को उसकी तरफ ताकने का भी हुक्म नहीं हुआ करता था, ये इंदिरा जी ने किया। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गांव-गांव के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसी ऐसे स्कीमें बनाई, आज गरीब लोग जो थे उस गरीबी से ऊपर उठे। उसके बाद सोनिया जी आए, राजीव जी आए, राजीव जी ने कोई सोच नहीं सकता था, आज यहाँ बैठे हुए आप अमेरिका में जहाँ भी दुनिया के किसी कोने में भी बात कर सकते हैं, ये मोबाइल के माध्यम से, दूसरे माध्यम से जितनी भी डेवलपमेंट की, इलेक्ट्रॉनिक उसकी, वो राजीव गांधी जी की बदौलत हुई। उसके बाद सोनिया जी आई, सोनिया जी एक ऐसी त्याग की देवी साबित हुई कि जिस वक्त वो जीती, कांग्रेस पार्टी ने सारे बहुमत के साथ उन्हें मजबूर किया कि सोनिया जी आप हिंदुस्तान की बागडोर संभालिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, सोनिया जी ने उसको इनकार कर दिया। वो एक त्याग की देवी थी और आज हमारे उनके पुत्र राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के, सारे भारत के, उन जो नौजवानों के दिल के अंदर एक ऐसी बेरोजगारी के खिलाफ, बेरोजगारों के मतलब के लिए जो योजनाएं हैं, किसानों के लिए जो आज किसान खुदकशियां कर रहे हैं और उनकी चिंतित हैं, इस देश को आगे ले जाने के लिए चिंतित हैं, ये मैंने 4 उपलब्धियाँ दिखाई आपको गांधी परिवार की। और यहाँ पर 3 मोदी और भी आए, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गले डाले, वो कौन मोदी, ललित मोदी जो 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लूट के भाग गया, एक नीरव मोदी वो कितने हजार रुपया इस मुल्क का लूट के भाग गया, और एक नरेंद्र मोदी जो कि मैं नहीं कहना चाहूँगा, इनकी सहयोगी पार्टी जो है वो शिवसेना, उन्होंने कह दिया कि चौकीदार ही चोर है। तो आपने अब कंपेरिजन करना है कि मोदियों को देखना है या गांधी को देखना है। कांग्रेस पार्टी एक कुर्बानी का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपने खून और पसीनों से सींचा है। समय बहुत कम है, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते, सिर्फ इतना ही कहूँगा आखिर में कि भूल कर कभी अब सांप के बच्चे से प्यार मत करना,
भूल कर कभी सांप के बच्चे से प्यार मत करना। भारतीय जनता पार्टी वाले 100 आपको प्रलोभन दे, इनका इतबार मत करना, इनका इतबार मत करना। अब मेरा इंतजार रहेगा हमारे बीच पंडित लक्ष्मीधर जी, वो आए और हमें मीटिंग के अध्यक्ष हमारे बीच में करतार जी, आप सभी कांग्रेस जन, सेवा दल, फेडरल ऑर्गेनाइजेशन सब आप यहाँ पे विराजमान है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बधाई देना चाहूँगा, आज का यह स्थापना दिवस जो है कांग्रेस पार्टी का मनाया जा रहा है सारे हिंदुस्तान में। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और ये मतलब जब भी 1885 के अंदर जब इसकी स्थापना की गई, वहाँ से लेकर 1947 तक जो संघर्ष कांग्रेस जनों ने किया, लाठियाँ खाई, गोलियाँ चली, जेलों की यातनाएँ सही, ये सारे मतलब जो थे ये इन जेलों के अंदर हुआ। और फिर 1947 को 1942 से 1947 का क्विट इंडिया मूवमेंट, वैसे तो इन आंदोलनों से चला हुआ था काम, महात्मा गांधी जी जिनकी रहनुमाई के अंदर सत्य और अहिंसा के पुजारी बगैर लाठी मतलब ढाल के तलवार के बगैर ये आज़ादी हासिल की। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, जो हम देखते हैं कि हम अब आज़ाद हैं, पता नहीं मतलब आज़ादी ऐसे ही मिल गई थी, पर हमें ये सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें एकजुट रहना चाहिए। अब जैसा कि आने वाला समय है आपका 2019 इलेक्शन सर के ऊपर है, तो हम सब इकट्ठे होके, जैसे सभी वक्ताओं ने ये बात की है कि बूथ स्तर पे जो है वो छोटी छोटी एक मतलब कमेटियाँ बनाई जाएं, और हमें आज का कार्यक्रम जो है अभी से शुरू कर दें, ताकि आने वाला जो है टाइम जो है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि इसका एक टेस्ट जो था वो अभी हो चुका है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की इलेक्शन जो थी वो कांग्रेस जीत चुकी है, और आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस जो है वो आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और एक बार फिर बधाई देता हूँ आज के स्थापना दिवस का। इससे पहले कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है आज की सभा के अध्यक्ष करतार जी बोलें, दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि 1885 को जब ये एक ऐतिहासिक पार्टी का मनन हुआ, और इस दल ने जो जो संकल्प लिए, जो जो उद्देश्य लिए, उन सब को हम कांग्रेस जन आज की डेट में ये अहद लेंगे कि हम उस दल द्वारा स्थापित उच्च मूल्यों को हमेशा हमेशा बनाए रखेंगे, और उस दल के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने में अपनी पूरी ताकत व निष्ठा के साथ पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। ऐसा विश्वास इस देश की आशाओं के प्रतीक माननीय श्री राहुल गांधी जी को तथा यूपीए अध्यक्षा को हम अपनी तरफ से इस मंच के माध्यम से देना चाहेंगे कि हम आपके आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी को फिर से इस देश की पतवार का जो नाभिक है वो बनाएंगे, क्योंकि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है आखिर कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है आखिर कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जमा दुश्मन हमारा। धन्यवाद। मैं इंतजार करूंगा कि इस आज की सभा को ये समेटें और अपना जो संदेश है वो हमें दें, उसके बाद हम राष्ट्रीय गान गाएंगे और सभी इकट्ठे यहाँ से ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, और महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी को वहाँ पुष्प जो है वो अर्पित करेंगे। धन्यवाद। ओम जी आप वरना ये अतिशयोक्ति होती कि अगर ये छूट जाते तो मैं अब इल्तिजा करूँगा कि जिनका जिक्र भाई ओम जी ने किया है कि वो भी आए और अपने विचार यहाँ रखें। आज 28 दिसंबर 2018 जो हमारी कांग्रेस पार्टी का जरा स्थापना दिवस है, उसे उपलक्ष्य पर आज
कांग्रेस जेड़े सारे कार्यकर्ता है ना जेड़े बड़े बड़े मारे नेते हैं ना सारे आए और मैं ब्लॉक कांग्रेस अनुसूचित विभाग चंबे का सारे का धन्यवाद करता ये इतने आए और स्थापना दिवस मनाया और मैं धन्यवाद करता पहली बार में जो इस मंच पर बोलने का मौका मिले मैं सारे का अपने तह दिल कने धन्यवाद। अब वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई सभी फ्रंटन ऑर्गेनाइजेशन सेवा दल यूथ कांग्रेस जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस है। ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आज हमारा भारतवर्ष आज़ाद है ये कांग्रेस की ही देन है। जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने जो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बिल्कुल शांति प्रिय से लड़ी जिसके परान ये जो हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ है। आज जब ये भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तब हमारे भारतवर्ष में एक सुई तक नहीं बनती थी। आज जो भारतवर्ष में हवाई जहाज तक जो है चांद तक हमारा देश पहुंच चुका है ये सभी देन जो है कांग्रेसी की हैं क्योंकि उस टाइम की जो नींव कांग्रेसियों ने डाली थी वो ही उसकी देन है। आज भारतवर्ष यहाँ तक पहुँचा है। मैं आप सभी को ब्लॉक की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारा जो कांग्रेसी भाई हैं अपना जो पर्सन कोई मन मुटाव है किसी से वो अपने तक रखें। जो जिस टाइम जो कांग्रेस पार्टी का सवाल आ जाता है तो सभी एक होके चले। आज मैं चाहता हूँ कि ये एक संकल्प यहाँ से लेके जाए कि जो हमने काम करना है कांग्रेस के प्रति करना है किसी एक दूसरे के नहीं के किसी मेरे उससे नहीं बनती उससे नहीं मैंने काम नहीं करना। इसलिए मैं सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज जो ये संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं कुछ किसी ग्रुप में देख भी रहा था कुछ हो रहा था इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा उसी ग्रुप में ऐसी इस तरह की कोई चीज़ होए। हाँ किसी को मन मुटाया है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो आप या नहीं होता किसी हमारे इतने सीनियर लीडर हैं उनसे बात करो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ दोबारा नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आज यही है इससे मेरा सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी जल्दी बुलाने पर आप इतने इकट्ठे हो गए। इसी के साथ सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ धन्यवाद। अब आप सबसे इंतजार है कि खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाएंगे हम और फिर ऊपर तक इकट्ठे
ਪਾਰਟੀ 134ਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਊਮ ਨੇ ਜਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਧਰਮ ਕੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਗਰਵ ਕੇ ਸਾਥ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ ਰਹੇ 1923 ਕੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਅਨੇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਓਂ ਕੇ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮੇਂ ਬਸਤੇ ਥੇ ਉਨਕੀ ਭਾਵਨਾਓਂ ਕੋ ਏਕ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਲਾਠੀ ਔਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਕੇ ਬਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਆਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਵੀ ਹਮ ਨਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਸਕੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੇਂ ਜਿਸਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਕੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਆਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਉਸ ਧਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾ ਸਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਹੀ ਧਰਮ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਓਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭੀ ਕੋ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਿਵਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਈ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਆਜ देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस मुबारक मौके पर मैं सभी देशवासियों को, कांग्रेस जनों को मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। 1885 को आज ही के दिन ए ओ ह्यूम जी ने बॉम्बे में इकट्ठा होकर के, और जो उस वक्त के नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, उनके साथ बैठक करके एक कांग्रेस संगठन की स्थापना की थी, और उसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करवाना। तो ये 28 दिसंबर 1885 से ये सफ़र शुरू हुआ था, और बीच में बहुत स्ट्रगल हुई, हमारे काफ़ी कांग्रेसजनों ने, देशवासियों ने अपनी जानें कुर्बान की देश के लिए, और तब जा कर के 1947 में भारतवर्ष आज़ाद हुआ। तो ये आज का जो 28 दिसंबर 1885 का जो के जिन जो पार्टी की शुरुआत हुई थी, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है, और 1947 के बाद भी भारत को, जिस भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, उसमें बड़े बड़े बांध, कलपुर्जे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए गए। ये लोग जो पूछते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो ये 60 साल में ही किया है, अदरवाइज़ तो ये 4.5 साल में थोड़ी हो गया। ये कांग्रेस साल का ही किया दिया है, जिसे जिस जिसके जिस पर के
देश नाश करता है। कांग्रेस ने तीन तीन गांधियों की कुर्बानी दी है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने अपने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये है कांग्रेस का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर राहुल गांधी जी के हाथों में। बिल्कुल देश का फ्यूचर सुरक्षित है। आगामी 2019 के इलेक्शंस में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतकर और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनकर के सरकार बनाएगी और देश की सेवा करेगी। देश जो डिरेल हो चुका है इन पौने पाँच सालों में उसको फिर से विकास की पटरी पर राहुल गांधी जी लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस है, जिसको पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो हर्षोल्लास से मना रही है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त कांग्रेस जनों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं जिसके अध्यक्ष एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रहे हैं, जिनके साथ भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा वो जुड़े रहे, और जिनके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे सबसे युवा अध्यक्ष जिस पार्टी के रहे, मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक बलिदान, सेवा और त्याग का इतिहास रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर के आज तक लगातार अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, धर्म जाति भेद से ऊपर उठ करके देश को प्राथमिकता देते हुए देश की सेवा की है, और इस देश के लिए, इसकी एकता और अखंडता के लिए, इसके विकास के लिए कांग्रेस पार्टी से संबंधित चार चार गांधियों ने जो है वो कुर्बानियां दी हैं। महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, तो लाल बेअंत सिंह ने कुर्बानी दी है। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने, आगे ले जाने के लिए काम करती आई है, और आज जो है इस मौके पर हम सब कांग्रेसियों ने ये प्रण लिया है कि हम जो है जिस तरह से हमारे कांग्रेसी बुजुर्गों ने इस देश से जो है फिरंगी हुकूमत को उखाड़ फेंका था, जो अपने अत्याचार और षड्यंत्र के लिए जाने जाते थे, उसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर के, सभी सेकुलर ताकतें जो है वे इकट्ठी होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों वाली सरकार को जो है पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2019 में लोकसभा चुनाव जीतेगी और माननीय राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसी हमारी आशाएं, उम्मीदें हैं। फिर एक बार से मैं सभी कांग्रेसजनों को इस स्थापना दिवस की जो है हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।